जब मूवी का ट्रेलर आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार इसको पसंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ इतनी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं लग रही थी। लेकिन मूवी को लेकर मैं पॉजिटिव था कि यार जब मूवी आएगी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, और इसी पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ मैं इस मूवी को देखने गया था। तकरीबन इस मूवी की जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है, और इस मूवी में जो कास्ट है यानी जो कलाकार है वो बहुत सारे हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप में बात करें तो सलमान खान, पूजा हेगड़े, विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है वो भी इसके अंदर हैं। इसके अलावा जो पंजाबी सिंगर हैं, एक्टर हैं, जस्सी गिल वो भी हैं, शहनाज गिल हैं, जो हमारे साउथ के जो एक्टर हैं वो भी इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, रामचरण सर का जो इसके अंदर कैमियो में देखने को मिलेगा। यानी काफ़ी सारे कलाकार को एक स्क्रीन पे लाकर लोगों को एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश तो डेफिनेटली इस मूवी ने की है। और अगर आप सलमान खान की मूवी की रिलीज डेट देखते हैं या फिर रिलीजिंग आप देखते हैं कि कब कब होती है, कि 2010 से अगर मैं बात करूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि 2010 से जैसे वो ईद पे ही अपनी मूवी जो है वो ज़्यादातर रिलीज करते हैं, तो उनकी जो फर्स्ट डे ओपनिंग होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। और इस बार की जो ओपनिंग रही है यानी कि किसी का भाई किसी की जान, जो ये भाईजान जो मूवी है इसकी जो ओपनिंग रही है फर्स्ट डे, वो लगभग 16 करोड़ रही है। वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो उन्होंने अपनी पिछली मूवीज की जो ओपनिंग की थी, उनको बहुत ज्यादा बढ़िया ओपनिंग वहां पे मिली थी। मे बी आने वाले टाइम में या फिर जैसे ये मूवी अभी आई है, एक ही दिन हुआ है इस मूवी को आए हुए, तो आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में ये मूवी कुछ अच्छा ग्रो कर पाए। इस मूवी का रिव्यू करने से पहले, मतलब इसके मेन मेन पॉइंट जो मैंने लिखे कि भैया मुझे किसके बारे में बात करनी है, उससे पहले IMDb के ऊपर जाके मैंने इसकी रेटिंग चेक की, भाई लोगों ने अपने क्या ओपिनियन दे रखे, कितनी रेटिंग जो है इसको दे रखी है। तो जिस दिन ये मूवी रिलीज होती है उस दिन इसकी जो रेटिंग है यानी कि जो किसी का भाई किसी की जान, जो इसकी मूवी की रेटिंग जो चल रही होती है वो 7.3 7.2 के आसपास जो इसकी रेटिंग चल रही होती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 7.3 मैंने इसकी रेटिंग देखी थी, और एट प्रेजेंट टाइम जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी रेटिंग जो है वो घट कर 6.3 तक पहुँच चुकी है। जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ मे बी अब शायद कुछ ने बढ़ गई होगी या थोड़ी बहुत कम भी हो गई होगी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक फिलहाल इतनी ही चल रही है। अब ये जो रेटिंग कम हुई है इसके पीछे ये नहीं है कि यार कोई बॉलीवुड विरोधी हो गया है कि हम बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखेंगे, या फिर कोई इसके अंदर कंट्रोवर्सी ऐसी हो गई है कि भैया इसके अंदर ऐसी चीज़ें दिखा दी गई हैं कि हम ये मूवी नहीं देखेंगे। सिंपल सा मेन फैक्टर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इसकी स्टोरी या फिर जैसे मूवी में हमें देखने को मिल रहा है, जितनी उम्मीदें हमें ने लगाई थी उन उम्मीदों पर इतनी मूवी खरी नहीं उतरती है। हाँ बात करेंगे क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं। तो बात करें इसकी स्टोरी की, तो एक भाई जान करके है जिसे प्ले किया सलमान खान ने, उसके तीन भाई हैं इश्क मोहब्बत। अब यहाँ पर इन तीनों को किसी दिन तीन लड़कियों से प्यार हो जाता है, ऑब्वियसली वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक बड़ा भाई शादी नहीं कर लेता छोटे कैसे करेंगे शादी। तो अब अपने भाई को चाहते हैं कि यानी उनका जो बड़ा भाई है यानी भाई जान है वो शादी कर ले। अब भाई जान की एक प्रॉब्लम अलग से कि भाई वो किसी लड़की पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे, किसी से शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कहीं अगर वो फैमिली में आई और उन्होंने उस लड़की ने उन तीनों या चारों भाइयों के बीच में कोई फूट डाल दी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कुछ इंसिडेंट प्यार मोहब्बत थोड़ा बहुत फ्लैशबैक भी हमें देखने को मिलता है इस मूवी में, लेकिन उनके भाई काम आने वाले थे, उनको तो शादी करनी है ना अपनी, तो अपने पर्सनली मतलब लालच के लिए वो एक लड़की ढूंढते हैं, लड़की मिल भी जाती है, और जो सलमान खान है या जो भाई जान है उसको उस लड़की से प्यार भी हो जाता है। अब वो जो लड़की है उसकी अपनी जो परिवार है उसकी एक अलग से स्टोरी है, अब वो उस स्टोरी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, शादी कैसे होती है, आगे चीज़ें कैसे चलती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। ज़्यादा मैंने कोशिश की कोई आपको स्पॉइलर ना दूं, इतनी ही स्टोरी जो IMDb के ऊपर लिखी हुई थी वैसे ही मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया है। जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस मूवी के बारे में बातें वो ये कि ये जो मूवी है कि भाई इसमें आपको फैमिली यानी परिवार जो है वो पहले रखना चाहिए, परिवार की अहमियत क्या है, परिवार के लिए हम सब कुछ कर लेंगे, अगर किसी के आगे झुकना पड़े तो डेफिनेटली उससे उसके आगे झुक भी लेंगे, ये सब चीज़ें हमें दिखाई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। झुकने की बात नहीं है, मतलब जो परिवार को प्रथम प्रायोरिटी देने की जो बात की गई वो मुझे बहुत पसंद आई। इसके अलावा मूवी में मुझे कोई वल्गर सीन नहीं लगा, कोई भी ऐसा कंट्रोवर्सियल सीन नहीं, तो जो काफ़ी अच्छी है, एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से मूवी बनाई गई है जो बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से अगर बात करें तो ये जो मूवी है वो एक आप समझ सकते हो कि मसाला मूवी है, जिसके अंदर आप लोगों को परिवार परिवार को मारने के लिए गुंडे, उन गुंडों से बचाने के लिए खड़े हैं, एक्शन है, फाइटिंग हो रही है, गाने हैं, स्वैग है, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। तो ये हो गई इस मूवी की भाई अच्छाई बातें कि क्या क्या इसके अंदर अच्छा है। तो कमियों की अगर बात करें तो देखो यार, मैंने स्टार्टिंग में काम जितनी उम्मीदें इस मूवी से लगाई थी, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इस मूवी को देखने गया था, लेकिन वो सोच कहीं पर भी काम नहीं आई। जो उम्मीदें मैंने इससे लगाई थी वो एकदम आसमान में थी और धड़ाम से ज़मीन पर आगे गिरी हैं, ऐसा फील हुआ इस मूवी को देखने के बाद।
कोई भी मुझे स्टोरी ढंग की नहीं लगी। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई सरप्राइज इसके अंदर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस मूवी को देखकर, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको मिल जाएगा। लॉजिक की मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ कि कहूँ कि इसमें लॉजिक कहाँ है। देखो यार, मेरा हमेशा से ही मेन एक जो थॉट रहती है ना, वो ये रहती है कि मूवी आप देखने जा रहे हो तो एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके अंदर आप लोग वो चीज़ें देखते हो जो रियल लाइफ में ना हो सके, इसलिए उसे आप रियल लाइफ में देखते हो। अब ऑब्वियसली मज़ा तो तभी आता है ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम देखें, तो लॉजिक तो साइड में हटाते हैं, एंटरटेनमेंट में मेरा मेन फोकस रहता है कि एंटरटेनमेंट है या नहीं। उस बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, कुछ कुछ जगह हैं तो मुझे अच्छी लगी, कुछ कुछ जगह ही अच्छी लगी। डायलॉग मुझे अच्छे लगे, कुछ सीन मुझे अच्छे लगे। इवन लास्ट की जो फाइटिंग होती है ना, सलमान खान और विजेंद्र सिंह, उनकी जो फाइटिंग है, जिस तरीके से वो बॉक्सिंग वाले जो स्टाइल में होता है, वो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा जितने भी एक्शन इस मूवी में रहते हैं, मुझे रत्ती भर पसंद नहीं आए। गाने मुझे इतने ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं लगे, इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगे। उसके अलावा स्टोरी में इतना कनेक्शन फील नहीं हुआ कि भाई इससे कनेक्ट हो जाए। हाँ, कुछ कुछ जगह इमोशनल सीन है, उसमें इमोशनल हो जाते हैं। उसके अलावा मूवी में इतना कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा। डेफिनेटली जिनको अच्छी लगनी है उनको अच्छी लगेगी, जो सलमान खान के फैन है वो ऑब्वियसली उनको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये मूवी ना देखने जाओ, भाई जिनको देखनी है, जिन जिनको लगता है कि मुझे सलमान खान की हर मूवी पसंद आती है, चाहे वो कैसी भी उसके अंदर परफॉर्मेंस हो या कैसी भी उसके अंदर स्टोरी हो, मुझे वो देखनी है, डेफिनेटली आप जाइए। आपके अपने पैसे हैं, आप जैसे उनको यूज़ करना चाहते हैं, आपको किसी को पसंद करें, कोई कलाकार आपको पसंद है, आपको उसको देखना है बड़ी स्क्रीन के ऊपर, आप डेफिनेटली उसको जाके देखिए। ये तो मैं अपनी ओपिनियन, अपने थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं मुझे कैसी लगी ये मूवी। आप जरूरी नहीं कि मुझसे प्रभावित हो के जाए, पूरी दुनिया में जरूरी नहीं है कि पांचों उंगलियां बराबर ही हों। पांचों मतलब अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप अपनी पसंद से मूवी देखने जा सकते हो। मैं इस मूवी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जैसी मुझे लगी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारी क्लेरिफिकेशन इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि भाई साहब पता नहीं ये वीडियो के नीचे गाली गलौज पता नहीं कितनी भर जाए, तो मैं अपनी थोड़ी क्लेरिफिकेशन ऑलरेडी देके चल रहा हूँ कि भाई साहब गाली गलौज मत करना, थोड़े बहुत व्यूज़ वैसे ही आते हैं, एक दो पैसे मैं कमा लेता हूँ इससे, उसके अलावा इसमें कोई भी मुझे बेनिफिट नहीं होता। तो देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 2 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है, आपको कैसे लगी, अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अगर नहीं देखिए, आप बहुत बड़े फैन हैं, तो डेफिनेटली आप जाके देखिए, फैमिली के साथ बेशक जाके देखिए। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।